अभी बहराइच एनकाउंटर को लेकर यूपी में चर्चाएं आम थी कि यूपी पुलिस ने बहराइच से सटे श्रावस्ती जिले में एक और एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर 17 अक्टूबर की रात भिंगा जंगल में हुई। दो सिपाहियों के हाथ का सहारा लेकर जो व्यक्ति लंगड़ाकर चल रहा है वो दरअसल एक छंटा हुआ अपराधी है, जिस पर कई जिलों में संगीन केसों में मुकदमे दर्ज है। पुलिस के मुताबिक श्रावस्ती में ऑपरेशन लंगड़ा कई मामलों में वांटेड अपराधी सोनू नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ना चाहा तो सोनू ने पुलिस पर फायरिंग खोल दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अपराधी सोनू के पैर में गोली लगी, फिर उसे पकड़ा गया। आज रात लगभग 10:45 बजे भिंगा पुलिस और सब ब्रांच टीम को मुख्य द्वारा सूचना मिली कि एक बदमाश जो इनामिया है और वो नेपाल की तरफ भाग रहा है। इस सूचना पर भिंगा के जंगल में घेराबंदी की गई और इस दौरान अपराधी ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा और खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। यूपी में बहराइच में हुए एनकाउंटर की गूंज और चर्चा काफी हो रही है। अब श्रावस्ती में भी पुलिस ने एनकाउंटर कर शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर जो लगातार सियासत चल रही है उसको लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा, दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई, ये जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज की के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों को का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है और समाज में भरोसे का माहौल है। यूपी में अगले ही महीने उपचुनाव होने हैं, ऐसे में एनकाउंटर का मामला भी सियासत की दिलचस्पी का कारण बना हुआ है।